An Elementary School Classroom in Slum by Steven Spender. Far, far from gusty waves, these children's faces. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head. The paper-seeming boy with rat's eyes. The stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson, from his desk, at back of the dim class. One unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. केदा समुद्री या हवाई लहरों से दूर इन बच्चों के विवर्ण चेहरों पर बेतरतीब उखड़े से बाल बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों की तरह दिखाई देते हैं। उससे लंबी लड़की का उदासी के बोझ से सिर नीचे झुक गया है वो कागज की तरफ दुबला पतला चूहे जैसी आँखों वाला लड़का जो अविकसित है और अपनी अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है, अपने डेस्क से अपना पाठ नहीं अपितु अपने बाप की किसी गांठदार बीमारी का सिलसिलेवार वर्णन कर रहा है। धुंधले कक्षा कक्ष के पीछे एक मधुर युवा बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। उसकी आंखों में एक सपना है, वहाँ गिरहरी के खेल के लिए बनाए गए वृक्ष में खोगल के, और सिवाय उस स्कूल के कमरे के हर दूसरी जगह के सपने लेता है। On sour cream walls, donations. Shakespeare's head. Cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled, flowery, Tyrolese valley. Open-handed map. Awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world. Where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky. Far, far from rivers, capes, and stars of work. क्रीम रंग की दीवारों पर चंदे में दी गई चीजें और शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें टंगी है। उषाकाल की बिना बादलों की सुबह है। सभ्य संसार की संस्थाओं के गिंबाद हर शहरों में ऊपर दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टायरोल घाटी की ये संस्थाएं घाटियों और फूलों से भरी है। खुले हाथों से संसार का नक्शा तैयार किया जा रहा है जिसे हिटलर जैसे तानाशाह अपनी इच्छानुसार प्यार करते हैं, और इस संसार के लोगों को एक नया संसार, तानाशाहों की इच्छा का संसार भेंट किया जा रहा है। लेकिन गंदी बस्ती के इस स्कूल की कक्षाओं के इन बच्चों के लिए वो संसार उनका अपना नहीं, परंतु उनकी तो ये उनकी कक्षा कक्ष की खिड़कियां ही अपनी हैं। इस स्कूल के बच्चे का भविष्य अनिश्चित की ब्रश से पोत दिया गया है। वे अपने जीवन की अपनी तंग गली में घिर गए हैं। उसको एक धूसर नीले आसमान ने चारों ओर से घेर लिया है। ये सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा कक्ष के बच्चे इस तंगी और घुटन के शिकार है। नदियाँ, अंतरिपों और सितारों का संसार उनसे दूर, बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children, where skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. निश्चित रूप से शेक्सपियर बुरा है। यह संसार का नक्शा एक बहुत बुरा उदाहरण है। यह दुनिया जो इन बच्चों की नहीं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहाजों, सूर्य की गर्मी और इंसानी प्यार से भरी यह दुनिया उन्हें उनको इन सभी बढ़िया चीजों को चुराने के लिए प्रलोभित करती है। कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक, जीवन के शुरू से अनंत मृत्यु तक, उनका जीवन चुपके से उनकी तंग मांडों के आकर घिर जाता है। छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर बैठे इन बच्चों की खालों में से हड्डियां बाहर झांक रही है, और ये पाबंद लगे शीश से जुड़े स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टुकड़े। उनका सारा समय और जगह इन्हीं नरक जितनी बड़ी कोहरेदार गंदी बस्तियों में गुजरता है।
ये बस्तियों उन लोगों के बनाए हुए नक्शों अपनी अलग संसार को कलंकित कर देती है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break open till they break the town. And show the children to green fields and make their world. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. गवर्नर, शिक्षक, निरीक्षक और आगंतुक, तुम सभी अपने इस संसार के नक्शों को इनके संसार का हिस्सा बना दो। ऐसा कर दो कि वे अपनी खिड़कियों से इसमें झांक कर देख सके। और ये खिड़कियां, वातावरण और अवस्थाएं, जो उनके जीवन के विकास को तहखाने की कब्रों की तरह बंद कर देती हैं, उन्हें तोड़कर खोल दिया जाए। शहर के सारे बंधनों को तोड़ इन बच्चों को बाहर के हर खेतों के दर्शन कराए। उनके संसार का सुनहरी रेत पर नीली नीली समुद्री लहरें तक विस्तार कर दें। उनकी जुबान की पहुंच बे रोक टोक ज्ञान की सफेद और हरे पृष्ठों तक पहुंचे और ज्ञान के द्वार उनके लिए खुल जाए। इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति है।